स्पेक्ट्रल लाइंस में, ये आपने किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, कि अपर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे शेल में गिरते हैं, अगर ऊपर से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिरे लेकिन गिरे एन इज इक्वल टू वन पे, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज है। अगर टू पे गिरे तो बाल्मर सीरीज है, थ्री पे गिरे तो पैस्टन सीरीज है, ऐसी ब्रैकेट और पिफंड सीरीज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एंड एनसीईआरटी दोनों में। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में और कॉम्पिटिशन दोनों में, कि अगर आपकी ट्रांजिशन कहीं से भी गिरे और एन इज इक्वल टू वन पे गिरे, लाइमन सीरीज हो, तो उसमें जो जो वेव निकलती हैं वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती हैं, अल्ट्रा वायलेट को कॉरस्पॉन्ड करती हैं। पूछा जाता है अल्ट्रा वायलेट है कि क्या है, अगर बाल्मर में है तो विजिबल को है, और अगर ऊपर है तो इंफ्रा रेड रेज निकलती हैं सारी। तो ये याद रखना है, इसमें अंडरलाइन कर सकते हो कौन कौन सी, अल्ट्रा वायलेट कब है, इंफ्रा कब है, और ये सब कब है।